हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। यह दीघा सोनपुर रेल कम रोड ब्रिज का अप्रोच वायाडक्ट है दीघा इंट की तरफ, और राइट हैंड साइड में आप एक ब्रिज को देख रहे हैं। यह एम्स दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसी वर्ष बनकर तैयार हो जाएगा। एम्स दीघा एलिवेटेड रोड की कुल लंबाई अप्रोक्स 11.9 किलोमीटर है। दीघा सोनपुर ब्रिज को ऑफिशियली जेपी सेतु के नाम से जाना जाता है, जो कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है। और जेपी सेतु का अप्रोच वायाडक्ट रोड दीघा इंड की तरफ, जिस पर अभी हम लोग चल रहे हैं, हाल में ही बनकर तैयार हुआ है। और जेपी सेतु का सोनपुर इंड में अप्रोच रोड वर्तमान में निर्माणाधीन है और 2021 में बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे तो दीघा सोनपुर रेल कम रोड ब्रिज या जेपी सेतु के निर्माण के बाद पटना जिले और सारण जिले के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, लेकिन दोनों तरफ अप्रोच रोड बन जाने के बाद कनेक्टिविटी और भी सुगम हो जाएगी। आपको सामने जेपी सेतु स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, यह बिहार की लाइफलाइन बन चुकी है। और इस ब्रिज के बन जाने के कारण नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के बीच रेलवे कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा बेहतर हुई है, क्योंकि जब यह ब्रिज नहीं था तो पटना से हाजीपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर इत्यादि शहरों के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं चला करती थी। लेकिन इस ब्रिज के बन जाने के बाद पटना से हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, नरकटियागंज, छपरा, यहाँ तक कि सिवान और गोरखपुर के लिए भी डायरेक्ट ट्रेन चलती है, तो निश्चित तौर पर रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है। इस जगह पर एक इंटरचेंज का निर्माण किया जा रहा है, जो कि एम्स दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर और लोक नायक गंगा पथ, या जिसे पटना का मरीन ड्राइव भी कहते हैं, दोनों आपस में मिलेंगे। लोक नायक गंगा पथ को दीघा से दीदारगंज तक गंगा नदी के समानांतर बनाया जा रहा है, एवं लोक नायक गंगा पथ की कुल लंबाई लगभग 21.5 किलोमीटर है। मैंने लोक नायक गंगा पथ और एम्स दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो उस वीडियो को इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। दीघा सोनपुर रेल कम रोड ब्रिज का निर्माण कार्य वर्ष 2003 में शुरू हुआ था और अगस्त 2015 में यह ब्रिज पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ, और 3 फरवरी 2016 को इस ब्रिज को आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया। इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 1,570 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, एवं इस ब्रिज का निर्माण इरकॉन इंटरनेशनल द्वारा किया गया है। जेपी सेतु पर आपका स्वागत है। दीघा सोनपुर रेल कम रोड ब्रिज को गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है, और वर्तमान में यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी रेल कम रोड ब्रिज है, आफ्टर बोगीबिल ब्रिज जो कि असम राज्य में स्थित है, और यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी रेलवे ब्रिज है, आफ्टर बोगीबिल ब्रिज और वेम्बनाड ब्रिज। दीघा सोनपुर रेल कम रोड ब्रिज या जेपी सेतु की कुल लंबाई 4,556 मीटर है, अर्थात 4.556 किलोमीटर। इस ब्रिज पर गाड़ियों की अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, एवं इस ब्रिज के बीच में गाड़ियों को रोकना सख्त मना है। यह एक स्टील ट्रस्ट ब्रिज है। इस ब्रिज के ऊपर वाले डेक पे टू लेंस का रोड बना हुआ है, जिस पर अभी हम लोग चल रहे हैं, एवं इसकी चौड़ाई 10 मीटर है, और इसके नीचे वाले डेक पे डबल लाइन रेलवे ट्रैक बनाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में सिंगल लाइन रेलवे ट्रैक को बनाया गया है, और भविष्य में रेलवे ट्रैफिक के हिसाब से इसको डबल लाइन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वैसे तो इस ब्रिज पर ओवरटेक करना मना है, लेकिन स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक करना हमारी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि स्लो मूविंग व्हीकल के पीछे पीछे आप चलेंगे तो एक लंबी कतार लग जाएगी, जिसके कारण कि ट्रैफिक कंजेस्टन होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात, इस ब्रिज पर पर्याप्त जगह है कि आप किसी भी स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक कर पाए, वो भी आसानी से। इस ब्रिज के बन जाने के कारण नॉर्थ ईस्ट की रेलवे से कनेक्टिविटी रेस्ट ऑफ इंडिया से और बेहतर हो गई है। उदाहरण स्वरूप डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस इत्यादि ट्रेन इस ब्रिज से होकर गुजरती है। इस ब्रिज के पैरेलल एक फोर लेन रोड ब्रिज बनाने का प्रस्ताव भी है, जिसको कि पटना आउटर रिंग रोड के अंतर्गत बनाया जाएगा।
तो आप इस खूबसूरत से ब्रिज का आनंद लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले, इसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और मेगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस के लिए। और अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट में जरूर बताइए।